खम्बा गणिसा, आज मैं आपको शादी में की जाने वाली चाक पूजन की रस्म के बारे में बताऊंगी। चाक पूजन में घर की महिलाएं गीत गाती हुई कुम्हार के यहाँ जाती हैं और वहाँ विधि विधान से पूजा करती हैं और थोड़ा गीत संगीत भी होता है। चाक पूजन शादी के विषम दिनों के पहले होता है, जैसे 3, 5 या 7 इस तरह से। आज ने उतरी है महीनों होवे तू दलोरे पड़ी यारी जिरे लो वो मेरी गानेरी जिरे लो वो टोड़ी छटारो बरसे में। शादी में चाक पूजन रस्म का पारंपरिक और स्थानीय दृष्टि से बड़ा महत्व होता है और इसे एक खास रस्म माना जाता है। और धार्मिक नजरिए से देखें तो कुम्हार के चाक को ब्रह्मा सृष्टि चक्र भी माना जाता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे कुम्हार अपनी चाक के ऊपर मिट्टी को शक्ल देता है बर्तन की और अन्य साधनों की, उसी तरह चाक को भी नवीनता का प्रतीक माना जाता है। कलश को इसलिए पवित्र माना जाता है क्योंकि पुराने समय में जब स्टील या लोहे के बर्तन नहीं होते तो लोग मिट्टी के बर्तनों में ही खाने पीने की चीज़ें और अन्य सामग्री रखा करते थे, इसलिए आज भी उनका उतना ही महत्व है। भले ही लोग कितने भी आधुनिक क्यों न हो गए हों, लेकिन संस्कार आज भी वही है। पूजा पूरी हो जाने के बाद वो कुम्हार दंपत्ति को विधि अनुसार दक्षिणा और वस्त्र भेंट करती हैं और कलश लेकर जाती हैं और वही कलश को गणेश जी के सामने रखा जाता है। पीछे विवाह संबंधी धार्मिक मान्यता यही है कि चाक पूजन के बाद घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है और सारा कार्य सकुशल होता है।